हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू IITian एक्सप्लेन्स। जैसा हमने प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में और उसकी पिछली वीडियोस में, जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएंगे, पी ब्लॉक की केमिस्ट्री से आएंगे। तो आज का लेक्चर जो हमारा है, आपने इस वीडियो का पोस्टर थंबनेल देखा होगा, हेडिंग भी देखी होगी, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लाजवाब और खूबसूरत कंपाउंड्स, जहां पर हैलोजन्स हैलोजन्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। और सबसे यूनिक बात इस कंपाउंड्स की ये है, इनके प्रॉपर्टी इनके पेरेंट्स से कई मायने में बिल्कुल अलग होते हैं। यस, कॉम्परेटिव इंपॉर्टेंस की बात कर ली जाए तो कॉम्परेटिव इंपॉर्टेंस इसका ये है, ये जो टॉपिक आपका है जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, बिटसेट के लिए, नीट के लिए और एम्स के लिए, बेसिकली ये टॉपिक पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहां से क्वेश्चन 3 और 4 क्वेश्चंस एक साथ पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो पैसेज वाले क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छे से बना सकते हो। आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स की बुक अगर आपके पास होगी केमिस्ट्री की, आप उनको देखो, आप जनरली पाओगे कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हमारी कोशिश होगी IITian एक्सप्लेन्स की, जो आपको ये कंटेंट आज का दिया जाए, बिल्कुल फंडामेंटल से लेके जेई एडवांस और एम्स तक आपको ले जाया जाए। अब मैं बात कर लूं, 12th के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज इसको बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशंस में, बोर्ड्स में भी काम आ जाएंगे, मेंस में भी काम आ जाएगा। और चूंकि ये लेक्चर बिल्कुल, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं इसको एडवांस और एम्स तक लेके जाऊंगा, तो ये आपको उस लेवल तक भी पहुंचाने में मदद करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, अब आ जाओ आज के हमारे कॉन्टेंट पे। आज मैं सबसे पहले बात करूंगा इंट्रोडक्शन, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इनका, और किन किन मायने में ये अपने पेरेंट्स से और अपने जैसे मिलते जुलते कंपाउंड्स से अलग है। फिर बात की जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो इस चैनल की खासियत है, आपको पता है हम बात करते हैं बॉन्डिंग पे, तो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग आपको डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी। थर्ड पार्ट पे आएंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, जो कि ट्रेडिशनल है, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ट्रेडिशनल वे में हम कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। और लास्ट वाला पार्ट इनके प्रॉपर्टीज का पार्ट होगा, जहां पे आप इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करोगे। तो 12th वाले स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से देखें, टारगेट बैच के जो बच्चे इसको देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं जेई के लिए, जो 2018 के एस्पिरेंट्स हैं या 19 के जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं कि आज का ये लेक्चर जो भी निकल के आएगा, आप उसको प्लीज पेन और नोटबुक में बिल्कुल नोट करते जाएंगे पैरेलली, जिससे कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स का आपके पास बिल्कुल एक नोट बन जाए। और जो भी प्रॉब्लम्स और स्ट्रक्चर्स बताए जाएंगे वो तो आपको नोट करने बिल्कुल मैंडेटरी है, जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो बस एक बात और आपको बोल दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आया आज का इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगे, प्लीज आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड तक पहुंचाइए। तो कंटेंट आपको समझ में आ गया, टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आज क्या होने जा रहा है बिल्कुल समझ में आ गया। अब बस क्लोज योर आइज फॉर 5 सेकेंड एंड कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। हो गया कॉन्सेंट्रेट, स्टार्ट करें, जुड़ गए मेरे साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते क्या हैं? इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, देखो अगर मैं इसको जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करूं तो ये होता है AXN, जहां पर A आपका सेंट्रल एलिमेंट है, A आपका सेंट्रल एलिमेंट है, या आप इसको मास्टर एलिमेंट भी बोल सकते हो, मास्टर एलिमेंट, और एक्स जो आपका है ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट, या कई बुक में इसे स्लेव एलिमेंट भी बोलते हैं, स्लेव एलिमेंट और स्लेव हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ सेंट्रल एलिमेंट जो आपका होगा वो क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट आपका फ्लोरीन के लिए बिग नो, नो बिल्कुल नहीं, फ्लोरीन आपका सेंट्रल एलिमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। सब्स्टिट्यूएंट की बात कर लीजिए, सब्स्टिट्यूएंट आपके फ्लोरीन होंगे, बिल्कुल होंगे, क्लोरीन होंगे,
और आपके ब्रोमीन होंगे, बट आयोडीन सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, इसके लिए भी एक बिग नो। ठीक है, अभी मैं सब इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अब आ जाओ एन का वैल्यू। एन का जो वैल्यू होता है वो 1, 3, 5 and 7 होता है। अब आप सोच रहे होंगे 2, 4 और 6 क्यों नहीं होता। देखो रीजन पता होना चाहिए मेरे भाई, रीजन पता होना चाहिए। अभी आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, फ्लोरीन सेंट्रल एलिमेंट क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सेंट्रल एलिमेंट होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें से सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सेंट्रल एलिमेंट सब्स्टिट्यूएंट के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए मतलब सेंट्रल एलिमेंट शुड बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन कंपैरिजन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नाउ अगर आप फ्लोरीन को सेंट्रल एलिमेंट बना दो, मान लो हम बना देते हैं, तो क्या होगा? फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विथ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 एट पाउलिंग स्केल इन पीरियोडिक टेबल। It is the one of the most electronegative element. So it can never, 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 ever positive. So fluorine hamesha negative hoga -1 oxidation state ke saath. So ye kabhi bhi electropositive nahi ho sakta hai. To jo essential condition thi central element ke liye, ye usko fulfill nahi kar paata hai. So ye aapka central element kabhi bhi nahi hoga fluorine. Second, central element का साइज सब्स्टिट्यूएंट के साइज से हमेशा लार्जर होना चाहिए। और फ्लोरीन जितने भी हैलोजेंस होते हैं उनमें इसका साइज, इसका रेडियस सबसे छोटा है। सो इन दो मेजर कंडीशंस जो थे सेंट्रल एलिमेंट के लिए, ये उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, इसीलिए फ्लोरीन आपका कभी भी इंटरहैलोजन कंपाउंड में क्या नहीं होगा, यस सेंट्रल एलिमेंट। अब आ जाओ स्लेब पे। देखो स्लेब के केसेस में हमने क्या बताया, इस ये जो होना चाहिए स्लेव मास्टर एलिमेंट, मास्टर हैलोजेंस के कंपैरिजन में हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। सो दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्स। आयोडीन के केस में क्या आ जाओ, आयोडीन सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ग्रुप 17 एलिमेंट में। आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो जो एसेंशियल कंडीशन है कि इसको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, आयोडीन पूरी हैलोजन की सीरीज में सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। सेकेंड, जो सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए इनका साइज सेंट्रल एलिमेंट के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए, जैसे कि वहां पर लार्जर था यहां पर स्मॉलर है। बट आपको पता है आयोडीन जितने भी हैलोजेंस होते हैं उसमें इसका साइज सबसे मैक्सिमम होता है। सो ये दो बेसिक कंडीशंस जो थे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के लिए, आयोडीन उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर लाइक क्रिस्टल, यस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, किया जाए एक्सप्लेन, रेडी हो सीखने के लिए? चलो देखो, अगर आप हैलोजेंस की बात कर लो एक्स की, तो बेसिकली इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होता है। आप सब एग्री करोगे इस बात से। अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बना दूं NH2NP5, मान लेते हैं ND, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया डी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ये मान लो आपका NS है, ये मान लो आपका NP है, ये मान लो आपका ND है। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5। देखो होगा क्या, अगर हम बात कर लें ये जो हमारा ये X, इसको सेंट्रल एलिमेंट लेना है, सेंट्रल एलिमेंट के हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है। बेटर होगा A ले लो, जब हमने A लिया है तो A ही लेके चलते हैं, बार बार सिंबल्स को चेंज नहीं करते। सेंट्रल एलिमेंट हमारा A है। देखो आप देख पा रहे हो, अगर हम इसके ग्राउंड स्टेट की बात कर लें, ग्राउंड स्टेट कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। इसकी
बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी है? 1. मतलब ये प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में नॉर्मली रहेगा विदाउट एनी एक्साइटेशन, विदाउट एनी प्रमोशन. मान लो अगर हम सेंट्रल एलिमेंट की एनर्जी बढ़ाएं और फर्स्ट प्रमोशन करें तो देखो क्या होगा, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही रह जाएगा. इस केस में देखो 1, 2, 3, 4 एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे. इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 3, 1, 2 एंड 3. तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 1 इसने शो किया, 3 इसने शो किया. मान लो अगर हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ले लें, ये इलेक्ट्रॉन भी जंप कर जाएगा. टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो इट्स बॉन्डिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 5. सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 5. अगेन मोस्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट. नाउ आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन भी जंप कर जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. बॉन्डिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 7 बिकॉज ऑफ टोटल 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? तो n की वैल्यू मतलब बॉन्डिंग कैपेसिटी, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट कैन फॉर्म बाय सेंट्रल एलिमेंट विथ सब्स्टिट्यूएंट दैट इज n, इट माइट बी 1, 3, 5 और 7 बट नॉट 2, 4, 6 बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फिगरेशन. इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, बॉन्डिंग समझ में आ गई. चलिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए. अब मान लो अगर मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में कुछ लिस्ट दे दूं ए एक्स एन के, तो मान लो आपको मैं दे दूं टाइप ऑफ बॉन्ड्स, टाइप दे दूं, और यहां पे मान लो अगर मैंने बात कर ली सेंट्रल, या ऐसे कर लो यहां पर दे दो ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पर दे दो सेंट्रल एलिमेंट, और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके. देखो ये समझाने के लिए दिया जा रहा है, आपको पता होगा ये सब चीजें बहुत फंडामेंटल हैं. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1 की बात कर दी जाए, और अगर मान लो हमारा सेंट्रल एलिमेंट हो जाए, किसको ले लोगे सेंट्रल एलिमेंट? पहले आयोडीन को ले लो. तो आयोडीन क्या बना सकता है? IF. आयोडीन Cl के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, बना सकता है ICl. ये Br के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, बना सकता है IBr. अगर हम बात कर लें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन क्या करेगा? BrF, BrCl बना सकता है. और क्या बन सकता है? देखो अब अगर मान लो ये इसके एग्जांपल्स में पुट कर देना. अब मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमने प्लस 3 ले लिया, तो क्या क्या बन सकते हैं? ये बन सकते हैं ClF3, BrF3 और हो सकते हैं ICl3. ओके प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लो, तो क्या हो जाएगा? ClF5 आपका हो सकता है, BrF5 और आपका हो सकता है IF5. और अगर हम प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लें, तो ओनली होगा IF7. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरहेलोजन कॉम्पाउंड. देखो ये उतने इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये एग्जाम्पल्स क्या होंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हमें समझ में आना चाहिए. बात समझ में आ रही है? IF7 क्यों बना? बिकॉज आयोडीन का साइज लार्ज है, तो ये 7 फ्लोरीन को रख सकता है. लेकिन अगर यही काम हम ClF7 बना के करना चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि तो क्लोरीन की इतनी साइज नहीं है कि वो 7 फ्लोरीन को, 7 स्लेव एलिमेंट्स को अपने पास रख सके, उनके साथ बॉन्ड बना सके. इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हुआ. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, बस आप ऐसे ही समझ लो, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस समझाने के लिए मैंने बताया कि बॉन्डिंग कैसी हो सकती है. ठीक है, चलिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा फंडामेंटल का. अब आ जाओ नेक्स्ट जो है बॉन्डिंग पे, देन आफ्टर हम आ जाएंगे प्रॉपर्टीज पे. देखो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूटने नहीं चाहिए. अगर आप इंटर हैलोजन को ये स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए. जहां पर भी कोई भी टॉपिक आपका मिस हुआ, बस आप याद करना स्टार्ट कर दोगे और उसके बाद क्या होगा आपको बहुत अच्छे से पता है. चलो अब हम आ जाते हैं बॉन्डिंग पे. बॉन्डिंग इंटर हैलोजन्स कंपाउंड की बॉन्डिंग कैसी होगी, स्टार्ट करें. चलो देखो सबसे पहले अगर आप बात कर लो ए एक्स टाइप के कंपाउंड्स की, जब आपका n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो ए एक्स अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें, चूंकि दोनों हैलोजन्स हैं,
तो इसके हो गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7 + 7 = 14, 8 से डिवाइड कर दो हो गया 1 और बच गए 6, 2 से डिवाइड कर दो 3, तो इसका स्टेरिक फैक्टर हो गया 4, जिसके अंदर 1 बॉन्ड पेयर है और 3 आपके पास क्या है, लोन पेयर। स्टेरिक फैक्टर 4 है मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। ध्यान से देखो, टेट्राहेड्रल मत बोल दो मेरे भाई, देखो क्या होगा, ns और ये हो गया आपके पास np हुआ। अब देखो इसके अंदर 1, 2, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दिस इज योर ns, दिस इज योर np, ठीक है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो देखो पूरा इनके साथ इंटरमिक्सिंग होगा, जो वेब फंक्शन है एस का वेब फंक्शन और पी का वेब फंक्शन, इनके बीच में कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और क्या होगा, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। देखो ध्यान से समझो, 1, 2, 3 एंड 4 पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, दिस इज योर 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा एक्स, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे NH2NP5 के, जस्ट लाइक ऐसा इसका इसके साथ बॉन्डिंग होगा और एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, देखो स्ट्रक्चर हो गया, अगर मान लो इसका एग्जांपल ले लो ICl, तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ICl और 3 जो होंगे टोटल लोन पेयर बच जाएंगे, 1, 2, 3 लोन पेयर बच गए। इसका शेप कैसा हो गया, लीनियर। देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, जहां पर बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड बनेगा और बहुत ही पोलर बॉन्ड बनेगा, जो अभी आप देखोगे पोलर होने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होंगे और ICl सॉलिड फॉर्म में जाएगा, बहुत सारी बातें अभी की जाएंगी। तो ये लीनियर है और इसके पास 3 लोन पेयर है, और एक बात और, ये 3 लोन पेयर जो होंगे ये इनके अंदर 25% एस कैरेक्टर होता है, मतलब तीनों के तीनों लोन पेयर बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिकॉज दे आर फ्रॉम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब समझ में आ रहा है, अगर आपसे कोई पूछता है कि हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है या नहीं है, तो आप बता सकते हो, चूंकि इनके 3 जो लोन पेयर हैं एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी से पता चला, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला कि जो ये लोन पेयर्स होते हैं आइडेंटिकल होते हैं और इनके अंदर एस कैरेक्टर बिल्कुल 25% होता है, ये तभी पॉसिबल है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। बिल्कुल क्लियर, नेक्स्ट पे आ जाइए, टाइप्स नेक्स्ट ax3। देखो टोटल अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, सेम वैसे होगा, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 21, मतलब 28/8, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, स्टेरिक फैक्टर हो गया 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी भाई, sp3d। तो क्या आना चाहिए इसका, इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP। देखो अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अब आपको पता है इसकी बॉन्डिंग कैसे हुई होगी, आपका ये ns है और ये आपका np है और ये आपका nd है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, देखो 1, 2, 3, 4 सिंगल सिंगल देना, ऐसे नहीं फिल करते, समझाने के लिए बता रहा हूं, और ये d पूरा खाली है। अब देखो d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा, इंटरमिक्सिंग होगी sp एक s की 3p के साथ और 1d के साथ, क्या बनेंगे, 5sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 5sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स चलो बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो इसमें पेयर्ड होगा, अनपेयर्ड होगा और अनपेयर्ड होगा, टोटल 2 लोन पेयर नजर आ रहे हैं, टोटल 2 लोन पेयर यहां थे। बॉन्डिंग जैसे होनी है, चलिए एग्जांपल्स ले लेते हैं, ClF3 एग्जांपल हो गया, प्रैक्टिकल एग्जांपल। नाउ अगर बात कर लो, चूंकि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, TBP ज्योमेट्री है, तो कैसे होगा, Cl एक F और यहां होंगे आपके, देखो इक्वेटोरियल पोजीशन में बना रहा हूं, इक्वेटोरियल पोजीशन इस पे इसके क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, और जो एक्सियल पोजीशन होगा यहां पर 2 फ्लोरीन्स होंगे, तो इसका जो शेप हो गया समहाउ थोड़ा टी शेप हो गया। मैंने थोड़ा अलग इसलिए किया क्योंकि यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन काम कर रही है, इसलिए फ्लोरीन थोड़ा बेंट हो गया है, फिर भी ये टी शेप है। देखो अब मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको अगर इनकी स्ट्रक्चर डिटेल में जाननी है,
तो आप हमारे पॉपुलर अपलोड्स में जाएंगे, वहां पे आपको बेंट रूल दिख रहा होगा। आप बेंट रूल को देख लो, वहां पे हमने ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में बेंट रूल को सुपर डिटेल में स्टडी किया है, सुपर डिटेल में आपको बताया है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि लोन पेयर जो है वो इक्विटोरियल पोजीशन पे क्यों है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पे क्यों है, वहां पे हमने डिटेल से बेंट रूल में आपको बताया है। आप वहां से देखिए, आपको हेल्प मिलेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सीरीज पे आ सकते हो। अगर हम बात कर लें AX5 में, तो AX5 में क्या होगा, जस्ट लाइक सेम ऐसा ही होगा। अगर मान लो ये NS है, ये हमारा NP है और ये मान लो हमारा ND है, 1, 2, 3, 4, 5। आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, पूरा एम्प्टी है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिस, सेकंड एक्साइटेड स्टेट दिस। क्यों ऐसा हमने किया है? बिकॉज आप देख लो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, टोटल हो गए ये आपके 6 हो गए, 7 × 6 = 42 हो गए। इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास हो गया 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। देखो इनके बीच में इंटरमिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 5 + 1 = 6, 6 स्टेरिक फैक्टर 6 हो गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2 हो गया। अब देखो इनके बीच में होगा कितने sp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आपके पास 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने, बन गए। ये जो आपका है ये आपका लोन पेयर में रह गया और बाकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होते हैं, कैसा होता है स्ट्रक्चर बताओ? स्क्वायर पिरामिडल, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो कैसे होगा इसका, जस्ट लाइक ऐसा होगा। यहां पर आपका सेंट्रल एलिमेंट है, यहां से आप कनेक्ट कर दीजिए, यहां पे आपके सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक सब्स्टिट्यूएंट जस्ट इस प्लेन के ऊपर होगा और यहां पर आपका लोन पेयर होगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बात समझ में आ रही है। जैसे आपका एग्जांपल्स हो जाएगा IF5, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 एंड स्ट्रक्चर इज स्क्वायर पिरामिडल। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर हम बात कर लेते हैं IAX7 की, जैसे कि आपका एक कंपाउंड है IF7, तो बिल्कुल आप ऐसे ही करते, एक इलेक्ट्रॉन को और जंप करवा देते इसके अंदर और अब इसके साथ आप ले लेते, हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाता sp3d2 4 and 3 7, तो स्टेरिक फैक्टर हो जाता है इसका 7। आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख सकते हो, बिल्कुल आ जाएगा आपको 7 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। और इनका इनका शेप कैसा हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा बताओ पेंटागोनल बायपिरामिडल, पीबीपी शेप। और ये कैसा होता है, जस्ट लाइक देखो ऐसा होगा। अब ऐसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर सेंट्रल को रख दो, 5 से कनेक्ट कर दो और जो 2 होंगे जस्ट लाइक ऐसे होंगे एक्स। दिस इज पीबीपी ज्योमेट्री। इज इट क्लियर? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैंने कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं बताई है, दीज आर जस्ट फंडामेंटल्स। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से स्टडी किया है तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा। बॉन्डिंग बिल्कुल क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन पे, डिटेल में आपको समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए एक बार जल्दी से मैं आपको रिवीजन दे देता हूं। हमने क्या देखा, जो AX टाइप के बॉन्ड्स होंगे, लाइक जैसे ICL आपके हो गए या आपका BRF हो गया या IF हो गया, इनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसके अंदर 1 बॉन्ड पेयर होते हैं और 3 लोन पेयर होते हैं। और इनका शेप कैसा होता है, इनका शेप लीनियर होता है। समझ में आ रही है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर हमने बात की थी AX3 का, जैसे CLF3 आपके पास हो गए, BRF3 हो गए, इनका जो शेप होता है ये होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। फिर हमने बात की थी AX5 की, AX5 के अंदर जैसे कि आपका IF5 हो गया, इनका जो शेप होगा कैसा होगा, इनका शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल। फिर हमने बात की थी IF7 की, जब हमारा AX7 बन जा रहा था, इनका शेप हो रहा था PVP, पेंटागोनल बायपिरामिडल। ये आपको बात समझ में आ चुकी है। अब हम कुछ प्रिपरेशंस पे आ जाते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल प्रिपरेशन, पर जो बात मैं इसमें बोलने जाऊंगा ये पैसेज में बहुत काम आएगा। देखो कई बार क्या होता है, पैसेज में कुछ हिंट्स दिए गए होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। जैसे कि इस बार भी जेई एडवांस में आपने देखा था कोबाल्ट क्लोराइड का क्वेश्चन था, काफी हिंट दिए गए थे, मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया था, कलर दिया गया था। तो कई बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर आप चीजों को कैचअप करना सीखते हो, लाइक आपको पता होता है अच्छा कलर की बात की गई, ओके ये वाला कंपाउंड होगा कलर है, तो
लाइट पिंक कलर है ओके ये होगा, पर्पल कलर है ओके ये होगा, क्रिमसन रेड है अच्छा ये होगा, ब्रिक रेड है अच्छा ये होगा, एप्पल ग्रीन है तो ये होगा। तो कई बार क्या होता है हम कलर्स को देख के समझते हैं, तो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में भी ऐसी चीजें होती हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो अगर हम फॉर्मेशन की बात कर लें एएक्स में, तो देखो सबसे पहला जैसे आप बोल सकते हो आयोडीन प्लस मान लो फ्लोरीन, अगर आप आयोडीन का फ्लोरीन आयोडीन और फ्लोरीन का रिएक्शन करवाओगे तो ये बनेगा 2IF। मैं बता दूं इसके लिए कंडीशन क्या है, आपको -45 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और एक सॉल्वेंट होना चाहिए CCl3F, फ्रेयॉन के कॉन्टैक्ट में आएगा -45 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो रिएक्शन होगा, बहुत रिएक्टिव रिएक्शन है। अच्छा और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे कि मान लो आयोडीन को आपने क्लोरीन के साथ मिला दिया तो ये बनाएगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये बनाएगा आपका 2ICl, ठीक है 2ICl बनाएगा आपका। अच्छा अब देखो पैसेज में कैसे पूछा जाता है, आप जो जानना चाह रहे हो पैसेज में आपको बोला जाएगा कि एक कंपाउंड बन रहा है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है और जो डिस्प्रोपोर्शन में जाता है। डिस्प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अब देखो IF जो है ये स्टेबल है नहीं, ये क्या होता है 5IF ये ब्रेक करेगा, और कैसे ब्रेक करेगा, ये बनाएगा 2I2 प्लस IF5। बात समझ में आ रहा है, बनाएगा 2I2 प्लस IF5। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का देखो यहां पर +1 है और यहां पर 0 है और यहां पे +5 है, तो देखो ये सेम टाइम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो जो ये IF आपका है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अगर हमें बोले कि एक आपके पास इंटरहैलोजन कंपाउंड है AX में, या आप बोल सकते हो मोनोफ्लोराइड है, और आपसे बात किया जाए अनस्टेबल है और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, तो समझ जाइएगा आयोडीन मोनोफ्लोराइड की बात हो रही है। याद रखेंगे आप IF लिखना, कभी भी FI मत लिखना, है ना, दिस नॉट मिस्टेक क्राइम, बिकॉज जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो हमेशा लास्ट में आते हैं, ऑलवेज कम्स एट लास्ट, ठीक है। हम इसको आयोडीन मोनोफ्लोराइड बोल सकते हैं बट फ्लोरीन मोनोआयोडाइड नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका सेंट्रल एलिमेंट कभी भी फ्लोरीन नहीं हो सकता है, हमने इनिशियल केस में ही बिल्कुल शुरू में ही बात की है इसके बारे में। सो इट्स आयोडीन मोनोफ्लोराइड नॉट फ्लोरीन मोनोआयोडाइड, इज इट क्लियर, यस। चलिए अब आ जाते हैं, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है, देखिए ये इस तरीके से ये टूट जाता है, बस समझ में आ रही है। अच्छा कुछ बात आपको मैं और बताना चाहता हूं, देखो ICl, ये जो ICl है इसका जो मास है अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, एक जैसा होता है ब्रोमीन के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन आप देखो ICl के अंदर क्या होता है और Br2 के अंदर क्या होता है, Br2 के अंदर जो Br2 जो मॉलिक्यूल्स हैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स काम करता है, बस एक पुअर सा वंडरवॉल फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स काम करता है। बट ICl के केस में आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और Cl बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर डेल प्लस डेल माइनस पोल्स बन जाते हैं, तो दूसरे ICl के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है। इसीलिए जो आपका ICl होता है ये आपका लेमन येलो सॉलिड है, लेमन येलो सॉलिड है, और Br2 आपका लिक्विड है, इज इट क्लियर, बिल्कुल क्लियर हुआ। AX के केस में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप समझ चुके हो। देखो भाई मेरे पैसेज में काम आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं इन चीजों को पकड़ना सीखो। जब मैं खुद जेई का एक्सपीरियंस था, जब मैं जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं भी ऐसे ही करता था, हर छोटे छोटे चीजों को पकड़ना सीखो। लाइक आप समझो कि अच्छा लेमन येलो सॉलिड की बात की जा रही है, ओके ICl होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ब्राउन वाटर की बात की जा रही है, ओके Br2 की बात की जा रही है, तो ऐसे चीजें होनी चाहिए, ठीक है, ये पैसेज में काम आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो हमारा दूसरा टाइप है ये है AX3 का टाइप। देखो इसको कैसे फॉर्म किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। सेकेंड पे आ जाओ AX3, देखो AX3 में हम बात कर लेते हैं बहुत ही फेमस की Cl3 की, Br3 की और ICl3 के। देखो आपके सिलेबस में ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है, जेई के सिलेबस में और मेडिकल के सिलेबस में। देखो Cl3 चूंकि आपको पता है इसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है, और आपको ये भी पता है इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, और आपको पता है इसके अंदर 2 लोन पेयर्स होते हैं, पता है आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखो Cl3 जो होता है ये गैस है, और BrF3 जो है आपका ये लिक्विड है, और ICl3 जो है ये आपका सॉलिड है। पहले आप समझ जाओ फॉर्म कैसे करेंगे, अगर आप क्लोरीन को F2 के साथ मिक्स करोगे 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये बनाएगा Cl3,
दूसरी बात, अगर आप क्लोरीन मोनोफ्लोराइड को फ्लोरीन के साथ भी ऐड करोगे तो भी रिएक्शन होगी ClF3 पे, बट टेम्परेचर थोड़ा कम होगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बारे में भी बातें होंगी। BrF3 पे आ जाओ, ऐसे ही रिएक्शन होगा, आपको Br2 को फ्लोरीन के साथ मिक्स करना है, ये बनाएगा BrF3, टेम्परेचर रख दो 350 डिग्री सेंटीग्रेड। या आप ऐसे भी रिएक्शन कर सकते हो, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे, BrF3 बनेगा। ICl3 के केस में आ जाओ, ICl3 के केस में रिएक्शन डायरेक्टली आयोडीन और क्लोरीन की होती है एक्सेस में, तो ये बनाता है ICl3। अब कुछ बातें जान लो, ClF3 जो है आपका, ये आपका हाइपरगोलिक है, हाइपरगोलिक गैस एंड टॉक्सिक गैस। देखो पैसेज में काम आएगा, हाइपरगोलिक का मतलब होता है जो किसी भी नॉन फ्यूल के साथ रिएक्ट कर ले और जलने लगे, किसी भी चीज के कॉन्टेक्ट में। आपने कुछ मैजिक शोज देखे होंगे, मैजिक शोज में क्या होता है, एक लिक्विड बोलेंगे, वो उन गैसेस सब्सटेंस में हाथ डालेंगे और उसमें वो आग लगा देंगे, वो लगेगा उनका हाथ पूरा जल रहा है। एक्चुअली में होता क्या है, ClF3 किसी भी सॉलिड लिक्विड या गैसियस टारगेट के प्रेजेंस में आता है और उन टारगेट में वो जलना स्टार्ट कर देता है किसी भी नॉन फ्यूल के साथ। बात समझ में आ रही है, ग्लास हो जाए आपका, आपका रबर हो जाए, उल हो जाए आपका, कॉटन हो जाए, वैक्स हो जाए, कैसा भी कुछ भी क्यों ना हो, सेलुलोज हो, शुगर हो, किसी भी कांटेक्ट में आएगा ClF3 और अपने आप जलना स्टार्ट कर देगा। तो हाईली टॉक्सिक है और हाइपरगोलिक गैस है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है और TBP ज्योमेट्री जिसकी होती है, समझ जाइए बात की जा रही है ClF3 के बारे में। पैसेज के लिए इंफॉर्मेशन था ये, ठीक है। अब आ जाओ BrF3 के केस में, ये जो है आपका लिक्विड है, और कैसा लिक्विड है, ये आपका येलो लिक्विड है, ये आपका येलो लिक्विड है। इसके बारे में आप समझ जाइए बात, अगर आपसे बोला जाए कि एक AX3 टाइप का इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है जो येलो लिक्विड के फॉर्म में होता है और ये आयोनाइज हो जाता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, तो देखो BrF3 क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये टूट जाता है BrF2+ में और BrF4- में, तो ये कैटायंस और एनायंस में टूट जाते हैं। बात समझ में आ रही है, कैटायंस और एनायंस में ये ब्रेक हो जाते हैं और ये जब ब्रेक हो जाएंगे तो ये कंडक्टर हो जाएंगे। तो अगर हमसे बात किया जाए एक AX3 का ऐसा इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है और कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो समझ जाइए ये जो हमारा येलो लिक्विड कलर का सॉल्यूशन था, ये नो डाउट BrF3 ही है। क्लियर, पैसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई। अब आ जाओ ICl3 के बारे में, देखो ICl3 आपका लेमन येलो क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। देखो यहां पे क्या होता है, आप याद रखेंगे ICl3 का डाइमराइजेशन होता है और ये हमेशा I2 ऑलवेज I2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे, देखो अगर हमने बना लिया ICl3, सपोज दिस इज योर ICl3 और दूसरा हमने ले लिया ICl3। देखो यहां क्या होता है, इनके इनके बीच में डेटिव बॉन्ड बनते हैं और इनके इनके बीच में डेटिव बॉन्ड बनते हैं, जस्ट लाइक जैसा आपने AlCl3 में देखा था। तो I2Cl6 डाइमर फॉर्म में बनता है, मतलब ICl3 का डाइमराइजेशन जब होता है तो I2Cl6 होता है। अब आपको पता है यहां का सेंट्रल एलिमेंट बहुत ही ज्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है और उसने दूसरी काम क्या की, डाइमराइजेशन कर लिया, तो जो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास होता है इस सिस्टम का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे देखो ये क्या है, हम बात कर लें थोड़ा ClF5 के बारे में। देखो जो ये तो तुम्हारा था AX3, जो हमारे पास थर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा AX5। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि मान लो ClF5, ये मान लो IF5, कुछ नहीं है, इसको बनाने के लिए आप ClF3 ले लो। आपने कैसे बनता है देखा, ClF3 का रिएक्शन F2 के साथ करवा दो, ये बन जाएगा ClF5। और आप ले सकते हो, वैसे ही आप ले सकते हो जैसे कि IF3 ले लिया, इसका भी रिएक्शन F2 के साथ करवा दो, ठीक है, तो ये बना लेगा IF5। या दूसरा एक और इसको बनाने का मेथड है, आप आयोडीन क्रिस्टल के ऊपर आप फ्लोरीन गैस को फ्लो करवाओ काफी हाई टेम्परेचर पे और एक्सेस में रखना इसको, तो भी बना लेगा IF5। तो ये कुछ फंडामेंटल थे AX5 के, इसमें कुछ खास बात नहीं है,
इसके प्रिपरेशंस में। फिर आ जाओ हमारे पास जो AX7 होता है, इसका सीधा सा मेथड है आयोडीन प्लस एक्सेस ऑफ फ्लोरीन एट 214 डिग्री सेंटीग्रेड हीट कर दो, ये बन जाएगा IF7। बैलेंस कर लेना, बिल्कुल क्लियर है। देखो प्रॉपर्टीज से जो इंपॉर्टेंट बातें थी, देखो ऐसा नहीं है कि बातें की जाए तो बड़ी बड़ी बातें की जाएगी, इतने टेम्परेचर पे होना चाहिए, इतने फंडामेंटल जो बातें होती है इनसे रिलेटेड बहुत ही कोर बातें होती हैं जिनका मुझे नहीं लगता कि कॉम्पिटेटिव इंपॉर्टेंस है। लाइक इसको बनाते कितने पे हैं, कैसे हीट करते हैं, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या फिजिकल कंडीशंस होने चाहिए, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये बोर्ड के लेवल तक कुछ हद तक जा सकती है जब आप इसको बिल्कुल मेमोराइज कर सकते हो कि व्हेन आयोडीन क्रिस्टल रिएक्ट विद फ्लोरीन गैस एट अ टेम्परेचर इन दिस फिजिकल कंडीशन एट अ टेम्परेचर देन इट फॉर्म्स। आपको क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस एडवांस में पूछ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं पूछ जाएंगे, डोंट वरी। क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल्स आएंगे। तो ये जो फंडामेंटल बातें थी ये मैंने आपको बता दी कि ये कैसे-कैसे बनेगा, कैसे-कैसे काम करेगा, ठीक है? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो हमने की हैं इन क्रिस्टल्स के बारे में की है, इनके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड की है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है इसका काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाला पार्ट, ठीक है? देखो प्रॉपर्टी वाले पार्ट में क्या होगा, प्रॉपर्टी वाला पार्ट आ जाओ, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पैसेज में काफी इंपॉर्टेंट है। आप पैसेज में इसको देखोगे, प्रॉब्लम्स अगर आप बनाओगे प्रीवियस ईयर का तो आपको बहुत काम आएगा। सबसे पहला इसका फिजिकल स्टेट। देखो फिजिकल स्टेट में क्या मैं आपको बताऊं, ये गैस भी हो सकते हैं, ये लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, आपको पता ही है। अब अगर जैसे कि मान लो ICL के केस में चले जाओ तो ICL के केस में क्या होता है, यहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोलर इंटरेक्शन काम करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोलर इंटरेक्शन काम करता है। इस इंटरेक्शन की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है? बस समझ आ रही है। अब जैसे कि ClF3 था, ये काफी मैंने बताया हाईली टॉक्सिक हाइपरबॉलिक गैस है। लिक्विड के केस में बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका BrF3 हो गया लिक्विड फिल्म, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस जस्ट आप इंफॉर्मेशन के लिए इसको समझ लीजिए। ये बस इंफॉर्मेशन है, ये कैसे कैसे काम करेगा, क्या इसके फेजेस होंगे। सेकंड पार्ट पे आइए, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पैसेज को पहचानने में बहुत काम आएगा, कंपाउंड को समझने में। कलर की हम बात कर लें तो आप समझ जाइए जो आपके लोअर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होंगे, लोअर जिनका मास कम है, साइज छोटा है, लोअर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स वो जनरली कलरलेस होंगे या इनका बहुत ही लाइट कलर होगा या कलर नहीं होगा। लेकिन जो हमारे हायर AXN होंगे, मतलब हायर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होंगे, वो कलर्ड होंगे। और जो जो इनका साइज और इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, मतलब जितना ज्यादा डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज होता जाएगा उतनी ज्यादा कलर इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, कलर इंटेंसिटी इसकी इंक्रीज होती जाएगी। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो ये तो था कलर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाओ, अब जैसे हम बात कर लें इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, ठीक है? देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होगा, चूंकि आपने बहुत अच्छे से देखा कि AXN का कोई भी फॉर्म आप क्यों ना ले लो, AX3 AX5 और AX7, इन फोर केसेस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने बिल्कुल अच्छे से देखा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, कोई भी और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है, ये सब के सब डाई मैग होते हैं, डाई मैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं। बिल्कुल क्लियर। अब एक काफी इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक बता दूं, देखो अगर हम बात कर लें इनके थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हमने दो वीडियोस आपको दिए इसी चैनल पे, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, वहां हमने बहुत डिटेल में बात किया है। तो थर्मल स्टेबिलिटी आप कैसे भी सॉल्ट की ले लो, कार्बोनेट, सल्फेट, बायोसल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, हर किसी के बारे में बहुत डिटेल में हमने बताया है। आप इसी वीडियोस में जाएंगे, आप अपलोड्स में जाके चेक कर लो, आपको थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट Part 1 एंड Part 2 दिख जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी को मैं यहाँ पर डिटेल नहीं करूंगा, मैं इंटरहैलोजन की थर्मल स्टेबिलिटी आपको बता दूं। देखो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो यहाँ पे डायरेक्टली डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर। जैसे अगर मान लो हमारे पास IF, IBR और या मान लो IF, ICL और IBR है,
अगर मुझसे पूछा जाए इन दिनों इनमें सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन होगा, तो आंसर होगा IF, देन ICL, देन IBR, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो कंपाउंड, वो इंटरहैलोजन कंपाउंड उतना ज्यादा पोलर होगा, और वो जितना ज्यादा पोलर होगा उनका अपने जैसे दूसरे कंपाउंड के साथ उतना स्ट्रांग इंटरेक्शन होगा, और जितना स्ट्रांग इंटरेक्शन होगा, जितना स्ट्रांग फोर्सेस होगा, वो उतना ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा, उतना ज्यादा एनर्जी उसे लगेगी, उतनी ज्यादा टेम्परेचर लगेगी, उतनी ज्यादा हीट लगेगी उसको ब्रेक करने में। तो IF सबसे ज्यादा हो गया, देन ICL हो जाएगा, देन IBR हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस। तो ये तो हो गया हमारा थर्मल स्टेबिलिटी। अब जैसे कि आ जाओ, अगर हम बात कर ले रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी में क्या है, जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं AXN, ये क्या होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, किससे, अपने पेरेंट्स से, मतलब A2 से ज्यादा रिएक्टिव होंगे और X2 से भी ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे। कैसे, जैसे कि मान लो अगर आपने ले लिया ICL और अगर आपने ले लिया BR2, या आपने ले लिया ICL और ले लिया I2, या आपने ले लिया CL2, तो ICL जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा आयोडीन के कंपैरिजन में भी और क्लोरीन के कंपैरिजन में। बात समझ आ रही है? कैसे, देखो इनका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो कम होती है आयोडीन और क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो ये जल्दी टूट जाता है, इजिली ब्रेक हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये पोलर बॉन्ड्स होते हैं, डेल प्लस और डेल माइनस, और यहां पर जो बॉन्ड होते हैं दीज आर नॉन पोलर बॉन्ड्स। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मान लो आपने ले लिया सोडियम और इसका रिएक्शन करवा दो ICL के साथ, तो टू डिफरेंट हैलाइड्स बन जाएंगे, ये बना लेगा NaI और ये बना लेगा NaCl। बस समझ आ रही है? लेकिन अगर आप नॉर्मल कंडीशन में सोडियम और आयोडीन का रिएक्शन देखो, कोई रिएक्शन नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन में सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन देखो, कोई भी रिएक्शन नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल बात समझ आ रही है? तो जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन ऑफ दीज हैलोजेंस। क्लियर है? ओके, लास्ट आपको एक रिएक्शन और बता दूंगा, दो मिनट आपका और लेना चाहूंगा। लास्ट आपको कुछ चीजें बता दूं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है हाइड्रोलिसिस। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो हाइड्रोलिसिस, देखो हाइड्रोलिसिस क्या होगा, देखो अगर आप AXN इसको अगर आप H2O के साथ हीट करोगे एसिड प्रेजेंस में, तो ये दो तरह के एसिड बनाता है। एक तो ये बना लेता है एक हाइड्रो एसिड, नॉर्मल एक एसिड आप ऐसे बोल सकते हो, एक हाइड्रो एसिड बना लेगा और दूसरा एक ऑक्सी एसिड बना लेगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखो मैं इसका एक ट्रिक आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जैसे कि मान लो हमारे पास अगर ICL है, ICL है, और अगर मैं इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाऊंगा, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हाइड्रा एसिड बनाएगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन बना लेगा हाइड्रा एसिड HCl, और जो लेस नेगेटिव है वो पहले तो बना लेगा हाइपो एसिड HOI, बाद में ये ब्रेक हो जाए ये अलग बात है। बात समझ में आ रही है? तो इसका सिंपल, जैसे कि मान लो अगर हमने CLF बना लिया और हमने इसका रिएक्शन H2O के साथ करवा दिया, तो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हाइड्रा एसिड बना लेगा HF, और जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बना लेगा HOCl। क्लियर है? जैसे अब कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे कि हमने ले लिया CLF3 और हमने इसका रिएक्शन करवा दिया H2O के साथ, चलो और इसके साथ आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, ये बना लेगा HF और क्लोरीन आपका। अब देखो इसको कैसे पता करेंगे, देखो एक बात और, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सेंट्रल एलिमेंट का वो नहीं बदलता है प्रोडक्ट में, बिल्कुल दिमाग में याद रख लो इस बात को। तो ये हो गया X-3=0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो जो एसिड बनेगा वो भी +3 वाला बनेगा, तो क्या हो जाएगा HClO2। देखो बना, और ये कौन सा एसिड है, आपको पता है ना कितने एसिड होते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HClO हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका क्लोरस एसिड है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी कुछ केसेस में प्रोडक्ट बन जाएंगे, आपका हो जाएगा HCl और आपका हो जाएगा O।
ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, बात समझ में आ गई। बट आप इतना याद रखेंगे जो सेंट्रल एलिमेंट था उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट के अंदर कभी भी वैरी नहीं करता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है। जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलेगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हाइड्रा एसिड फॉर्म करेंगे। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। देखिए इनके अलावा भी और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे आप इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के क्या क्या यूजेस हैं, इनका यूजेस होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फ्लोरेटिंग एजेंट्स में होता है। अगर जैसे कि मान लो अगर आपने एल्यूमिनियम का रिएक्शन CLF3 के साथ कर दिया, एल्यूमिनियम फ्लोराइड बन सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे CLF3 आपका हो गया, CLF3 का यूज किया जा सकता है कहाँ पे, कहाँ किया जा सकता है? CLF3 का यूज हो सकता है इनरिचमेंट ऑफ फ्लोरीन यूरेनियम में। यूरेनियम जो होता है इसका इनरिचमेंट करने में हम CLF3 का यूज करते हैं, कुछ फंडामेंटल यूजेस हैं। और आप बोल सकते हो जैसे, अच्छा एक बात आपको मैं और बताना चाहूँ, CLF3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी में CLF3 को बोला गया था कोड एन सब्सटेंस, क्योंकि ये हाइपरगोलिक होता है, किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, किसी भी नॉन फ्यूल के कांटेक्ट में आता है और बर्न करना स्टार्ट कर, जलना स्टार्ट हो जाता है, बात समझ में आ रही है। तो ये जर्मनी ने इसको हिटलर के टाइम में काफी यूज हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में CLF3, और उस टाइम इसका कोड था कोड एन सब्सटेंस। बाद में ऐसा माना जाता है कि 1944 में रशिया ने अटैक किया था और जितने भी ये इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे जर्मनी में वो सारे के सारे कैप्चर्ड कर लिए थे रशिया ने 1944 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इनसे रिलेटेड, इंटरहैलोजन कंपाउंड से रिलेटेड। अब मैं आपको जल्दी से रैपिड रिविजन दे देता हूँ, ठीक है। चूंकि छोटा टॉपिक था, ज्यादा कुछ था नहीं, बट जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी आपके सामने बिल्कुल हमने कोशिश किया रख देने की। इससे ज्यादा बातें आपको इंटरहैलोजन कंपाउंड में मुझे नहीं लगता है कि सीखने की जरूरत है। मैंने सबसे पहले तो बात किया ये काम कैसे करता है, इंटरहैलोजन कंपाउंड बनता कैसे है, क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, कैसे होते हैं ये बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, दूसरी बात क्या था, जनरली ये पोलर्स होते हैं, तीसरी बात क्या थी, ये रिएक्टिव हो जाते हैं अपने पैरेंट हैलोजन के कंपैरिजन में। बॉन्डिंग की बात हमने की थी, बॉन्डिंग इसके अंदर sp3 बन रहा था, sp3d बन रहा था, sp3d2 बन रहा था और sp3d3 बन रहा था, हमने इन बॉन्डिंग को डिटेल किया था। फिर मैंने कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई थी और ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस बताए थे। इतने सारे चीजों को आप प्लीज अच्छे से समझिए, पैसेज वाले क्वेश्चंस ढेर सारे बनाइए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद मैं करता हूं आपको ये वीडियो, छोटा सा लेक्चर जो था इंटरहैलोजन कंपाउंड का, बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को अगर आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप क्लिक कीजिए, जो भी हमारे नए वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। मैं बस आपको यही कहूँगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।